राशिद कभी तुमसे पूछा नहीं अपने बचपन के बारे में, तुम्हारे खानदान के तो हम भी शागिर्द हैं, तो तुम्हारे बचपन के बारे में, तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में जिन्होंने गाना गाया, और इसके कुछ बताओ सही। मतलब तुमको हम जानते हैं जब तुम्हारे 10-12 वर्ष हुआ कलकत्ते में, 78 में मैं आया तो पहले तो गाना बजाना सीखने की मेरी कोई ख्वाहिश थी नहीं। अच्छा। हाँ, बस ऐसी फिल्मी गाने गा लिए, वो शौक था, गजल वगैरह गाने का, ये सब। बाद में बड़े मामू हमारे बम्बई ले गए। अच्छा। उस वक्त हमारी माँ गुजर चुकी थी, हम 4 वर्ष के थे। बड़े मामू के मतलब गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा था, वो लेके गए। और साल भर 8 महीने हुआ मैं रहा, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम वाम लिखवाया, सब ठीक है। थोड़ा बहुत अपने सरगम वरगम करवाते थे, लेकिन मेरा वहाँ कोई मन नहीं लगता था। फिर वापस बम्बई से बदायूं आए, तो जो घंटा बनवाया मैंने, वो तो हमारे उस्ताद निसार हुसैन का था, मेरे नाना, हम लोग उनको बाबू अब्बा बोलते थे, तो उनका घंटा बनवाया। जब वो तो वहां पर रियाज करवाते थे, सिर्फ साग भरो बस, सिर्फ साग। तो 1.5-2-3 साल तक यही चलता रहा। फिर सा नी धा पा मा पा धा नी सा, ये करते रहो भैरव में। अच्छा। मंत्र सप्तक, मंत्र सप्तक ये किया। हाँ। मैं तो सोचा क्या कहां मैं फंस गए, इतना बोर होने लगा। फिर अगर कुछ भी गलती होती थी तो वैसे ही वो गुस्से वाले थे, और हम लोग डर के मारे तो पास भटकते ही नहीं थे। हाँ। तो, बहुत भारी भरकम आदमी थे। इस तरह से क्या होता था, मैं बोर हो जाता था, बोर होके फिर मैं 2 महीने रुक नहीं करता था उधर, वो घर की तरफ भी नहीं देख जाता था। बधाई हूँ मैं। तो इस तरह से वो तालीम देते थे, और जो शौक मुझे हुआ वो यहाँ पर एकेडमी में आके, SRA में आके जब सुना सबको इतना अच्छा। एकेडमी में आए कैसे? वही मुझे लाए थे। अच्छा। मुझे इसका मतलब उस्ताद नाना वही लेके आए। उस वक्त तुम कुछ थोड़ा बहुत तुमने तरक्की की होगी? नहीं तो थोड़ा बहुत। हाँ, ये हो गया था, उन्होंने टोड़ी सिखाया था, तो वो भी अच्छा ठीक गा लेते थे अपने। उन्होंने सोचा चलो अभी इस काबिल इसको इंटरव्यू में बिठलवा दो। सुनील दारू ने इंटरव्यू लिया था। अच्छा। तो उसमें पास हो गए। उसके बाद फिर फाइनल जब होता है उसमें मालविका जी, कानन अंकल और रायचंद बुड़ाल जी, अच्छा, वो थे, विजय अंकल थे, जोग साहब, दीपाली दी, यानी के काफी लोग मौजूद थे। तो उस बार सुना तो कानन अंकल जो होता है, बाबा ये बात करके नहीं, इसको पास करना ही है। ये हुआ। तो इस तरह से चला, बधाइयों से हमें लाया गया यहाँ पर, मेरे उस्ताद ही लाए। आज जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। ये जो राग सीखे थे उसका विलंबित गा लेते थे, विस्तार वगैरह कर लेते थे? विलंबित नहीं गाते थे, सिर्फ द्रुत ही गाते थे। तो राग का अंदाज तो मिल गया, राग का अंदाज मिल गया था। जैसे पूरी अदनश्री में पाया लिया जानकारी। हाँ। यही करवाई। यमन में एरी आली है। हाँ। यही चीजें सीखेंगे। टोड़ी में अब मोरी नैया पार करो। हाँ। भैरव में जग करतार और अल्लाह हो अल्लाह। हाँ। वो जपताल में है। जपताल में है। तालीम तुम्हारी कैसी हुई? मतलब ये यहाँ तक तो ठीक है, पहले द्रुत ख्याल, पहले सारे गामा पादा नहीं सामंत्र अब तक के रियाज, फिर उसके बाद छोटे ख्याल। हाँ। 4-5 राग में, मगर असली समझ तुम्हारी कब आई कि भाई राग का है, इस तरह से बढ़त होना है, मजा लेना तुमने कब से शुरू किया? वो मैं यहाँ जब आया, यहाँ पर सबको सुनता था जो क्योंकि इतनी सुविधाएं थी SRA में, एकेडमी में, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब
पुराने बुजुर्गों की, तो वो सुन के बगैर मैं यही सोचता था कि ये इतनी अच्छी चीज है। उस वक्त बोर होता था, उसके बाद मैं बोर होना मेरा बंद हो गया। अच्छा, ये बहुत बड़ी हाँ। बात है। और जैसे हमारे उस्ताद बोलते थे इनायत हुसैन खान साहब, हमारे परनाना, इनके बारे में, इनकी गायकी के बारे में बोलते, तान का जो इनका एक हिसाब था, ऐसा था कि मालूम है कि फुहार पड़ी, जैसे हल्की हल्की जब बारिश, अच्छा, उस तरह की एक तानों का इनका अंदाज था। मैंने तो सुना नहीं, तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने करके, वो बोलते थे कि भाई मैंने, मेरी उम्र 6 साल की 7 साल की थी जब इनायत हुसैन खान साहब कुछ देर, उनको भी बहुत धुंधला था याद था। ग्वालियर का एक किस्सा बताते थे कि वो दोस्त खान साहब की जो बेटी जिस तरह से ब्याह, तो भाई रोज सब सबके जलसे हो रहे हैं, तो जो दोस्त खान साहब के लड़के थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, हद्दू खान साहब के मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद खान साहब, तो बोलते थे भाई कौन अच्छा आज गाया, तो वो मना करते आज कुछ जमा नहीं। एक दिन हमारे परनाना इनायत हुसैन खान साहब का, तो उन्होंने भी जब उन्होंने जब गाया, तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई आज किसका सुन के, बोले वो इनायत हुसैन का सुन के आए, वो बहुत अच्छा गाया, इतना जबरदस्त है, तो बोले बस वो दावत करो। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो एक बात बताओ, इनायत हुसैन खान साहब की गायकी क्या थी, कुछ अंदाज है? उस्ताद हुसैन खान साहब जो गाते थे, हाँ, वही गायकी का अंदाज, वही गायकी अंदाज वही है। अच्छा, एक बात और बताओ, निसार हुसैन खान साहब की गायकी जो है, वो जिसे कहते हैं आधारित तो है इन गायकों पर, पर उनके उनके जो गायकी है उसमें उन्होंने बहुत कुछ मिलाया था अपना, एक एक, एक जिसे कहते हैं गुलदस्ता बना करके। उनका कहने का मतलब ये था कि उनका, वो मुझे भी वैसे ही तालीम देते थे, बोले बेटा जिसकी जो अच्छी बात लगे उसको अपनाना। तुम्हें याद है कि उनकी गायकी में, मतलब तुम्हें नहीं याद होगा तो किसको हो? नहीं मुझे, तो उनकी गायकी में कौन कौन से अंग तुम्हें जरा, उनके जैसे छूट के अंग, तान के अंग जो है, हाँ, और बहलावा अंग, बहलावा, जरा बहलावा का अंग हमें थोड़ा सा बस सुना दो, क्योंकि ये आजकल सुनने में नहीं मिलता है। यही राग ले लो जो मैंने जो सोचा कि इनायत हुसैन नाना मियां की गायकी वो यही हो सकती है, यही हो सकती है। अब निसार हुसैन खान साहब की, हमारे उस्ताद की, जो उनके सुर के ताने, ये जो बल चलते थे, ये चीज जो छूट के जो ताने, जो ये उनकी खासियत थी। अभी खासियत उनकी थी, शायद हमारे देखो असर तो लोगों का होता ही है, अब तुम्हारे गायकी के ऊपर भी और लोगों का असर हो रहा है, वो होगा। अगर मैं हर वक्त सबको सुनूंगा तो जाहिर बात है किसी की बात अच्छी लगी, किसी का ये है अच्छा है, मगर तुमने अपनाया है। लेकिन मैंने उसको एक अपना तरह से, जो उसको अपना के, जो उसको बरतने का एक तरीका, कोशिश करता हूँ, मैंने कुछ भी अपनाया नहीं। अच्छा, और बताओ, ये बहलावा के बाद वो जो मैं कह रहा था, उनका बोल द बाट, बोल तान का, हाँ, बहुत अच्छा वो
करते थे? चैनल ले लेता हूँ। हाँ ले लो, या ब्याग कोई ले लो। यही तो कोशिश में इन लोगों को सुनता हूँ। जब मैं अभी भी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ कि क्या काम करके गए, और हम लोग सही में उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा, सुनाओ जरा। इसके साथ बोलता समझे ना, वो जूस दिन क्योंकि सरगम ये भी एक अंग है, और उसी को सिर्फ गाने से फिर अंग जो है ये खत्म हो जाएगा। कौन गाएगा इसको? तुम ही तो गाओगे, तुम्हारे खानदान में ही है। बिल्कुल, मैं जरूर कोशिश वही करता हूँ। और अभी तो खास करके जब से मैंने सोचा कि खानदान की मेरे खानदान की गायकी ये है, तो ध्यान मेरा रहता वही कि इस चीज को मैं कायम रखूं। ये आज जो तुमने बहलवा सुना है ना, मेरे सचमुच आ गया, मेरे उस्ताद याद आ गए। शुरू से ही तुम्हारा तान ऐसा चलता था? शुरू से मेरा तैयारी तान के लिए। लेकिन तान के लिए क्या तालीम मिली तुम्हें? तान के लिए मुझे जो सरगम पलटे करवाते थे हमारे उस्ताद, पहले तो जैसे बैरों सा नि सा गा मा नि दा मा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे सा नि सा गा रे गा मा गा रे सा सा रे सा नि दा पा मा गा मा पा दा नि दा रे रे दा नि दा नि दा गा गा रे दा नि दा गा मा पा मा गा रे दा नि दा पा मा गा मा गा रे दा नि दा गा मा नि दा मा पा मा। ये सरगम जो है ताल के साथ, तान इसमें नहीं है, ये ताल के साथ ये सरगम थी, और बाकी तो सीधा सीधा ऐसा जो पल सारे धारे गा रे गा रे गामा 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 ब मा ब मा ब द ब द ब द रे धारे धारे द ये सब चल रहा। यही करते रहते थे। तो ये बाद में को काम में आया? बाद में काम में यही आया कि कम से कम तान करने का जो एक अंदाज और जिस तरह से तान को फेंकना है उसका दाना सुर में रहना चाहिए। ये हमारे उस्ताद हमेशा बोलते थे, बेटा तान कर रहे हो तेतरे मत होना। मगर तुम जो सरगम करते हो उसका कुछ अंदाज दूसरा ही है। उसका अंदाज मैं कोशिश करता हूँ खुद उसका अपना ही है। वो एक अपना मैं बनाया जो छंद के साथ अब जैसे तीन ताल में तुम मुखराज भरते हो सरगम, उसका बोल पकड़ना छोटा बहुत अच्छा लगता है वो एक अच्छे। तो जरा सा कोई भी तीन ताल का ख्याल ले लो। आले रे आले बेर
ये शुरू से ही तुम करते थे? ये शुरू से नहीं करता था, शुरू से अब क्या सोच सोच के एक ये सोचता हूँ सरगम सब लोग करते हैं। सरगम क्या होता है? वो तो एक मीर खान का दादा काम होता है उसमें। वो तो लगता है कि जैसे रट के वो काम, लेकिन जो एक छंद के साथ जो छोटा छोटा छोटी छोटी सरगमें करके उसको मुखड़ा पूरा और अच्छी तरह से पकड़ना, उसमें एक मजा एक अलग आता है, लोगों में भी एक तड़प पैदा होती है। इसमें क्या शक, यही काम जो पुराने जमाने में जब सरगम नहीं करते थे तो इसी तरह से छोटे छोटे तान लेके भरते थे बोलों से। बल्कि ये आवाज ये अंदाज जो है ये कवालों का है, क्योंकि कवाल भाई कवाली और पुराने देसी गाने के मेल से ही ख्याल पैदा हुआ है। कव्वाल बच्चों के कव्वाल बच्चे तो आए ख्याल आया, लेकिन क्या है कि एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि निसार हुसैन खान साहब उन्होंने सिर्फ तराना ही नहीं गाया, लेकिन उन्होंने ख्याल भी ऐसा गाया कि नहीं वो तराने की वजह से थोड़े उनका नाम हुआ। वो तराना एक उन्होंने नया नई दिशा एक दिशा एक नए अंदाज नई दिशा दी उन्होंने। अच्छा, और मध्य विलंबित में जैसे बहादुर हुसैन खान साहब के तराने जो है बिल्कुल वो मध्य लय में तराना है, तो वो लोगों ने सुना ही नहीं था उसका पहले, तो रामपुरी में लोग गाते थे। उन्होंने गाना शुरू किया, फिर वहां से बढ़ाया स्पीड, फिर उनका कहने का था मैं ट्रेन में जब सफर करता था तो वो स्पीड उसी हिसाब से मैं बोले जरा तो सुनाओ आज तब नहीं है मतलब कोई बात नहीं। ना दे रे ताना दा दे रे ना ना दे रे ता दे रे ना यालले देव ता दा ना 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 ता दे ना यालम ना दे रे ताना दा दे रे ना ना दे रे ता तुम दा ना 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 दा ना ना दा ना ना दा ना दा ना दे रे ना दा दा रे दा ने दा। तब ये अब द्रुत का जो है तुम दा ना द्रुत तुम दा ना 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 द्रुत दा ना द्रुत दा ना तुम ये बीन कान आ गया। हाँ ये भाई इतना तेज कहते कैसे लोग बस सब आप लोग की दुआ है कर लेते हैं जैसे भी। बहुत अच्छा करते हो माशाल्लाह। मैं तो क्या कहूँ बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे तो आप लोग जब बैठते तो आप लोग जब बैठते हैं सामने सुने तो एक चीज नजर आती है पुरानी एक अंदाज जो है पुरानी गायकी वो नजर आने लगती है। नहीं हमें तो हमें तो बहुत ख्वाहिश होती है हम तुमको फरमाइश करके गवाएं ये चीज गाओ वो चीज सुनाओ ये अंग सुनाओ, मतलब ये तो मौका होता नहीं है हमारे बड़े रिसाइटल में, वो तो घर में जब तुम रियाज करते हो तब हो सकता है। वो सर्किल प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें देखो हमारे हमारा गाना बजाना जो है ना ये हॉल के लिए नहीं है, ये चेम्बर म्यूजिक है। हमारे कमरे के अंदर छोटी महफिल में जो गाना होता वो नहीं हो सकता बिल्कुल और अच्छे लोगों के सामने वो जरूरी है। जैसे बम्बई में पुणे में जो सुनते हैं जो सर्किल प्रोग्राम होते हैं इतना एक अच्छा लगता है गाने के लिए अच्छा होता है वहाँ। तो सच बात ये है जबकि सर्किल प्रोग्राम हमारे कलकत्ते में भी अच्छे सुनने वाले सब आर्टिस्ट लोग ही होते हैं और अच्छा लगता है एक माहौल बनता है वो अलग होता है यही होता था। अब क्या हॉल में प्रोग्राम करना वो एक उसका अंदाज फिर और लेके चलना पड़ता हम लोगों को, आम लोग भी आए सुनने हैं तो आम लोग सुनने आए हैं तो उनको भी कुछ थोड़ा सा। मगर एक बात मैं बता दूं कि आम लोगों को जितना बेवकूफ हम लोग समझते हैं वो नहीं है ये बात है। और दूसरी बात यह है कि क्यों सर्कल प्रोग्राम अच्छा होता, हमारे म्यूजिक में दाद हमेशा मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो कि आजकल हमारे यहाँ पर बैठो में पब्लिक बैठी हुई सुनना है बस हम गा रहे हैं और हमको एक फीडबैक नहीं आ रही है। जैसे हम
मॉनिटर की फीडबैक हमें नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, वैसे पब्लिक से भी एक फीडबैक आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। वो अगर वो समझ में अगर आने लगे और अगर पब्लिक अगर अच्छा, मुंबई में मैंने देखा कि मान लो गला खराब है कोई आर्टिस्ट, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो वो लोग जरा सा एक सौ रुपया अच्छा लगा तो उसमें वाह वाह करके बाद उसी वक्त आर्टिस्ट का मिजाज एकदम बन गया। बिल्कुल, गाने को बढ़ाने के काम जो है वो सुनने वाले के ऊपर होता है, जो समझदार सुनने वाले है। अच्छा एक चीज है, मैं आपसे मुश्ताक हुसैन खान साहब के शागिर्दों में और कौन कौन हुए? जब वो दिल्ली गए थे उसके बाद ये शानो खुराना, सुमति मोटाटकर, उन्होंने सीखा, शानो खुराना ने सीखा, और कौन है, अच्छा सुशीला मिश्रा ने भी लखनऊ में सीखा था उन्होंने, और मर्दों में तो कोई याद नहीं आता है। नैना देवी गंडा बनवा चुकी थी। आजकल की पब्लिक के लिए गला खुशगुलू ना हो, गला अच्छा ना हो, सुरीला नहीं, कोई फायदा, तो फिर वो गाना लोग पसंद नहीं करते। और पहले ये होता था कि विद्या, तुम्हारे पास इल्म क्या है, वो उसकी तारीफ होती थी, समझे? आजकल वो नहीं, अगर दोनों बातें हैं मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा है। सही बात है।